हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। माय नेम इज अमित और अभी बस थोड़ी देर पहले काम खत्म किया, कुछ 6 बज रहा है अभी यहाँ पे, और काम खत्म करके थोड़ा वॉक करने निकला हूँ। और अभी अक्टूबर बस चालू ही हुआ है, बट यहाँ पे वेदर बहुत ठंडा हो गया। लाइक आज कुछ 12-13 डिग्री कुछ हो गया, अभी से पता नहीं विंटर में क्या होगा यहाँ पे। और फॉल्स के कलर आने लगे हैं पूरे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और आज का वीडियो, दिस वीडियो इज वेरी स्पेशल बिकॉज अ फ्यू डेज बैक आई गॉट दिस क्वेरी इंडिया का एक बंदा, उसका क्या हुआ, उससे CA नहीं निकल रहा था। उसने काफ़ी सारे अटेम्प्ट दिए CA के, बट उससे CA नहीं निकला। बट उसने क्या किया, उसने ACCA देना चालू किया और उससे ACCA पूरा निकल गया। तो आज का टॉपिक भी यही है कि इज़ ACCA ईजियर देन गिविंग CA एंड पासिंग ऑल द CA एग्जाम्स। तो आज के वीडियो में मैं थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स भी ऐसे डालना चालू करूंगा, थोड़ा आप लोगों को अभी जहां मैं रह रहा हूं बेलफास्ट सिटी वो थोड़ा दिखाता हूं। ये सामने सिटी हॉल है, ऑलरेडी मैंने आई थिंक यहाँ काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, बट अभी थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है तो उस कारण से और सुंदर और थोड़ा अलग लग रहा है। फॉल्स कलर दिखने चालू हो गए, पूरे लीव्स वगैरह गिर रहे हैं, तो थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स भी डालता हूँ। और तो जो बात कर रहे थे ACCA, जो अगर पहली बात तो ये है कि अगर कोई इंडियन CA है जिसने अगर पूरा CA कर लिया है तो उसका क्या अपॉर्चुनिटी है, स्कोप है UK में और आयरलैंड में। और दूसरी बात, अगर आप CA दे रहे हो या आपने देना चालू किया है तो क्या ACCA देना ज़्यादा अच्छा है, और ACCA का मेन क्या स्कोप है और कौन कौन से कंट्रीज में स्कोप है। मेरी बात हुई, जो लोग CA दे रहे हैं इंडिया में, जिन लोगों ने CA दिया है और जो लोग अब ACCA देना चालू कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी निकाल लिया ACCA, मोस्टली लोगों की यही ओपिनियन है कि ACCA ज़्यादा इजी है निकालना। क्योंकि एक सबसे प्लस पॉइंट ACCA का ये है कि हर 3-3 महीने में ACCA के एग्जाम्स होते हैं। आप अपना मॉड्यूल, जो भी आपको एग्जाम देना है, आप वो पिक कर सकते हो। जैसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग है, SBR बोलते हैं, आप SBR पिक कर सकते हो कभी भी 3-3 महीने में, आपको जब मन पड़े तब दे सकते हो। अगर आपको लगता है आप 2 एग्ज़ाम दे सकते हो तो आप 2 बुक कर सकते हो, आप 3 बुक कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक बार में ज़्यादा निकाल सकते हो तो वो पॉसिबल है, और CA में वो पॉसिबल नहीं है। आई थिंक CA में आपको एक बार में 3-5 मॉड्यूल कुछ ऐसे देने पड़ते हैं। तो बात कर लेते हैं ACCA क्यों थोड़ा इजी है CA से। तो एक तो सबसे मेन रीज़न यही है कि आप अपने पेपर पिक कर सकते हो ACCA में, और दूसरी बात ACCA और बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये मैंने नोटिस किया कि ACCA वाले अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं। इंडियन CA आई थिंक यहाँ पे थोड़ा लैक कर रहा है कि वो इतना अच्छे से मार्केट नहीं करता है, ऑल्दो वो भी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है। बट उसके साथ दिक्कत ये हो रही है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है, इतना वाइडली नोन नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत ठीक से मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं अपने इंडियन अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन की। तो उस कारण से अब ACCA इज़ फेमस इन नॉट जस्ट UK एंड आयरलैंड, बट आप कोई भी कॉमनवेल्थ कंट्री में, कैनेडा में भी ACCA एक्सेप्टेड है, बहुत सारे रिक्रूटर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ तक कि US में भी चलता है। अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में मोस्टली जगह ACCA चलता है। सारे बिग फोर में जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है वो ACCA की भी देते हैं, तो उस कारण से इट इज़ मोर वाइडली एक्सेप्टेड एंड वाइडली नोन। तो एक ही छोटा सा वीडियो आज का है, क्योंकि एक 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 की क्वेरी आई थी कि वो ACCA करे या CA कंटिन्यू करे, और दूसरी बात एक से CA निकालना डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि पासिंग रेट भी बहुत कम होता है CA का। तो आज का एक छोटा सा, अगर इफ यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। आई हैव रीच्ड अराउंड 11,300 सब्सक्राइबर्स, तो इफ यू लाइक दिस देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड आई विल मेक सिमिलर काइंड ऑफ मोर कॉन्टेंट, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट। ब्लॉग्स एंड वेलकम टू अमित गुप्ता मेंबरशिप। तो मैं बहुत टाइम से ये वेट कर रहा था, ये सोच रहा था कि
कब सही टाइम आएगा मेंबरशिप चालू करें, बट बोलते हैं ना देयर इज नेवर अ राइट टाइम, तो मैंने सोचा आप चालू कर ही देते हैं। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैं आप लोगों की क्वेरी जो भी आप लोग भेजते हो वो आंसर नहीं कर पाता हूँ, या जो भी लोग इंस्टा पे मैसेज करते हैं वो कई बार मिस हो जाते हैं। तो उसके लिए अब से अपन चालू कर रहे हैं अमित गुप्ता मेंबरशिप, और इसका प्राइस अपन एकदम जितना मिनिमम मैं देखता हूँ कितना यूट्यूब में मिनिमम प्राइस होता है उतना एकदम मिनिमम से मिनिमम रखेंगे। इसका फायदा क्या होगा कि मैं और जो भी लोग मेंबर बनेंगे उनसे अपन डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो तीन तरह की मेंबरशिप मैंने सोची है और नाम सोचा है मैंने मेंबरशिप का कि क्योंकि चैनल का नाम है अमित गुप्ता व्लॉग्स, तो मेंबरशिप का अपन नाम रखेंगे, पहला रहेगा गुप्ता जी और सेकेंड रहेगा गुप्ता और तीसरा रहेगा अभि गुप्ता सुनना। तो अपन कुछ इस तरह का मेंबरशिप का नाम रखेंगे। और अगर आप लोगों को अब तक जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया, जिन लोगों को भी कॉन्टेंट अच्छा लगा है, प्लीज़ मेंबरशिप लीजिए। पहली मेंबरशिप है गुप्ता जी, तो गुप्ता जी भी बहुत स्पेशल मेंबरशिप है। ये सबसे बेसिक मेंबरशिप है पर इसमें बेनिफिट्स बहुत सारे होंगे, मैं नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कौन कौन से इसमें बेनिफिट्स रहेंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली आप बात कर सकते हो, इस तरह के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स रहेंगे। सेकेंड मेंबरशिप है गुप्ता, तो ये गुप्ता में क्या रहेगा कि अपन और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, अपन एक्सक्लूसिव कुछ तो यूट्यूब लाइव रखेंगे जिसमें सिर्फ जो भी गुप्ता के मेंबर्स हैं वही आ पाएंगे, और भी बहुत सारा ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख पाओगे क्या क्या इसके और बेनिफिट्स हैं। और तीसरा और सबसे स्पेशल मेंबरशिप है अभय गुप्ता सुनना, और ये वाला सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें क्या करने वाले हैं, अपन बहुत कुछ सोचा है इसके बारे में, तो अपन WhatsApp पे डायरेक्टली बात कर पाएंगे, फ़ोन पे डायरेक्टली बात कर पाएंगे, और बेसिकली अपन एकदम जो सबसे अच्छे दोस्त हैं उससे भी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो इसमें अपन पूरे टाइम जब भी आपको जो भी पूछना है, जब भी कनेक्ट करना है, तो पूरे टाइम अवेलेबल रहूँगा आपके लिए।